दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि नू में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम पुलिस ने दंगा करने वालों के खिलाफ अभी तक कुल 37 FIR दर्ज की है। दर्ज मामलों में कुल 79 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि नू हिंसा के बाद गुरुग्राम में सोहना समेत पटौदी और गुरुग्राम शहर के अंदर जो हिंसक घटनाएं हुई थी उसमें ये सभी मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस ने कुल 95 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें से 80 लोगों को बेल पर छोड़ दिया गया है। मैं गुड़गांव पुलिस की ओर से सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने इतने दिनों हमारे साथ कोऑपरेशन किया, हमको सपोर्ट दिया, और आपकी जो बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्टिंग थी और जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग थी उसकी वजह से हमको काफ़ी सपोर्ट मिला कि हम स्थिति पर कंट्रोल कर पाएँ। उसका एक बहुत बड़ा हाथ था गुड़गांव में नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए। हमने आज तक कुल 37 FIR दर्ज किए हैं इस सिलसिले में, जिसमें से 79 लोगों को अरेस्ट किया है FIRO के तहत और 93 लोगों को प्रिवेंटिव सेक्शंस में निवारक कार्रवाई में डिटेन किया गया था, जिसमें से 80 लोगों को हमने बेल पर रिलीज भी कर दिया है। हम गुड़गांव की पब्लिक के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने दिनों हमारे साथ कोऑपरेट किया और उनकी वजह से भी शांति कायम रखने में हमको बहुत अधिक शक्ति मिली। फिर भी हर रोज कोई ना कोई इक्का दुक्का ऐसी कोई वारदात हो जाती है छुटपुट, जिससे लोगों की सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच सकती है। हम पब्लिक से यही अपील करेंगे कि यदि आपके इलाके में ऐसी कोई भी छोटी वारदात हो जाए, आप काइंडली हमसे संपर्क करें, 112 में कॉल करें या अपने लोकल थाने में कॉल करें, किसी भी अधिकारी को कॉल करें, हम आके उस हालात को संभालेंगे। आप कृपया करके कानून को अपने हाथ में ना लें और इस कोई भी वारदात के साथ आप रिएक्ट ना करें। दूसरा, मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा मैसेज या ऐसी बात ना कहें या पब्लिक में या किसी सोशल मीडिया में पोस्ट न करें, जिससे दो समुदायों के बीच में कोई भी हेट्रिड या एनमिटी फैलाई जाए। ये एक कानूनी अपराध है, इसमें गुड़गांव पुलिस कार्रवाई ज़रूर करेगी। मैं फिर से अंत में यही कहना चाहूँगी कि मैं मीडिया और पब्लिक, गुड़गांव के लोगों को, गुड़गांव पुलिस की तरफ से आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप लोग ने हमारा साथ दिया इतने दिन, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी शांति कायम रखने के लिए आप हमारी सहायता और हमसे कोऑपरेट।